नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ड्रैगन सेना सदियों पुरानी चीन के आर्ट ऑफ वॉर का इस्तेमाल करती है और इसी तरह जापान की सेना समुराई योद्धाओं की परंपरा और युद्ध नीति से सीखती है। भारतीय सेना भी उद्धव मिशन के तहत भारत के प्राचीन शास्त्रों और इतिहास के युद्ध नायकों से रणनीति, कूटनीति और व्यूह रचना सीखेगी। शिवाजी की युद्ध नीति, कृष्ण की कूटनीति अब सेना की चाणक्य नीति बनेगी। दूसरी तरफ मोदी का स्वदेशी मंत्र भी सेना को और ताकतवर बना रहा है, इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी का स्वदेशी मंत्र, भारतीय सेना का उद्धव मिशन। राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, अध्यात्म से आधुनिकता, आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। जब देश में एक धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। मोदी ने कह दिया अब गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है। ये मोदी का दौर है, हम घर में घुसकर मारते हैं। भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर देश प्रेमी इससे खुश है। प्रोजेक्ट उद्भव was conceptualized with an idea to rediscover the profound Indian heritage of statecraft and strategic thoughts. भारतीय सेना छत्रपति शिवाजी से छापेमार युद्ध नीति सीखेगी। देश के रणबांकुरे 350 साल पुरानी शिवाजी की उस रणनीति को जानेंगे जिसमें स्वराज्य की ललकार थी और राष्ट्रीयता की जय जयकार थी।
आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। भारतीय सेना के तीनों अंग 5000 साल पहले हुए महाभारत के युद्ध से व्यूह रचना सीखेंगे। जानेंगे कि जब देश के दुश्मन शकुनी की तरह षड्यंत्र की चौसर बिछाते हैं तो देश की रक्षा कैसे करनी है। सेना के जवान अब जब भी युद्ध में दुश्मन को घेरने और दुश्मन की घेराबंदी को ध्वस्त करने की योजना बनाएंगे, उनके दिमाग में महाभारत में पांडवों के साथ हुए छल कपट और कौरवों को हराने वाली कृष्ण की कूटनीति होगी। इतिहास में चाणक्य से लेकर संत तिरुवल्लुवर तक ने रणनीति और कूटनीति का देश हित में सफल इस्तेमाल किया। अब भारतीय सेना का हर जवान इतिहास के इन सभी महापुरुषों को पढ़ेगा, समझेगा और प्राचीन ज्ञान का आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होगा। भारत हथियारों में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन जब युद्ध नीति में, जवानों की ट्रेनिंग में, व्यूह रचना में और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का पराक्रम करते समय भी जवान भारत के इतिहास से सीखेंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पूरी दुनिया हथियारों को अत्याधुनिक बना रही है, भारत के हथियारों को भी अपडेट और अपग्रेड किया जा रहा है, नई और अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है, ऐसे वक्त में आखिर प्राचीन युद्ध प्रणाली का जिक्र क्यों हो रहा है। क्यों सेना भारतवर्ष की प्राचीन युद्ध प्रणाली को पढ़ना और सीखना चाहती है, इसका जवाब सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिया है। प्रोजेक्ट उद्भव, as you heard, was conceptualized with an idea to rediscover the profound Indian heritage of statecraft and strategic thoughts derived from ancient texts of statecraft, warcraft, diplomacy and grand strategy. भारत के इतिहास में कई वीर गाथाएं हैं, युद्ध की रणनीतियां हैं और एक से बढ़कर एक कहानियां हैं जिनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब भारतीय सेना भी हमारे देश के इतिहास से सीखेगी। भारतीय सेना के इस दाव का दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं होगा। सेना के हथियार तो आधुनिक होंगे, लेकिन दुश्मन अब छल नहीं कर पाएगा। भारतीय सेना ने भारतीय सामरिक संस्कृति के ऐतिहासिक पैटर्न को डिकोड करने और उनसे सीखने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। 2023 में ही इस पर काम चालू हो गया था। प्रोजेक्ट उद्भव के तहत भारत के प्राचीन ग्रंथों को नए सिरे से पढ़ा और समझा जा रहा है।
इसमें महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद और चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जैसी प्राचीन पुस्तकों में युद्ध नीति और कूट नीति के बारे में लिखी बातों को डिकोड करके जवानों को समझाया जाएगा। इसके अलावा मौर्य, गुप्त और मराठा काल में भी भारत ने कई युद्धों में जीत अपने नाम की। इन युद्धों के नायकों के सामने आई परिस्थितियों और उनकी रणनीति का अध्ययन किया जाएगा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। भारत की जनजातीय परंपराओं, मराठा सैन्य विरासत और खासकर महिलाओं के जो वीरतापूर्ण कारनामे हैं, उन सबको प्रोजेक्ट उद्भव में शामिल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ भारतीय इतिहास की रक्षा प्रणाली बल्कि उनके प्रशासन को लेकर भी हमारे जवानों में समझ विकसित होगी और इसका इस्तेमाल वो आज की जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। प्राचीन युद्ध नीति और पुराने अस्त्र शस्त्र भारत की सेनाओं के बहुत काम आ सकते हैं, खासकर एलएसी पर चीन की साजिशों का जवाब देते समय। भारत और चीन के बीच समझौता है कि एलएसी पर कोई भी सेना बारूदी हथियार नहीं रख सकती, लेकिन लाठी, डंडे और प्राचीन शस्त्रों के इस्तेमाल से चीन के छल का जवाब दिया जा सकता है। दुश्मन जैसा हो उसे जवाब भी वैसे ही दिया जाता है। चीन की सेना रणभूमि में अपनी प्राचीन युद्ध कला और ऐतिहासिक रणनीतियों का इस्तेमाल करती है। चीन में सुन ज़ू की प्रसिद्ध पुस्तक आर्ट ऑफ वॉर को युद्ध कला का सबसे प्रभावी ग्रंथ माना जाता है। ये पुस्तक रणनीति, छल और युद्ध नीति के बारे में ज्ञान देती है। चीनी सेना इस पुस्तक के सिद्धांतों को वॉर ट्रेनिंग में शामिल करती है। चीन के आर्ट ऑफ वॉर को अब प्रोजेक्ट उद्भव के तहत महाभारत की युद्ध नीति से जवाब दिया जाएगा। सभी अफसर और सेना के जवानों को प्रोजेक्ट उद्भव के तहत ट्रेनिंग लेनी होगी। परंपरा और आधुनिकता का गठजोड़ करके तैयार हुआ प्रोजेक्ट उद्भव पीएम मोदी के मिशन स्वदेशी का ही एक हिस्सा है। राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता, आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना अब वेदों, पुराणों से लेकर महान योद्धाओं से सीख लेकर भविष्य के युद्धों की तैयारी में जुटी है। ये नया भारत है जो प्राचीन ग्रंथों और इतिहास से सीखता है और आधुनिक हथियारों को तेजी से अपना रहा है। अब देश के दुश्मनों को मात देने के लिए एक नया अस्त्र भारत के तरकश में शामिल हो गया है। नाम है, भारतीय सेना को जल्द ही रूस से शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इगला एस मिलना शुरू हो जाएगा। इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को रूस से इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इसके लॉन्चर और बैटरी जैसे कुछ पार्ट को भारत में ही बनाकर यहीं असेंबल किया जाएगा। इगला एस को कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। इसके अलावा सेना को जल्द ही इजरायली हर्मीज 900 ड्रोन मिलने वाले हैं। इगला इसको विशेष रूप से कम उड़ान वाले विमानों को नीचे मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान और उन्हें बेअसर कर सकता है। खुदा भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया,
भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। पिछले 10 साल में सेना में काफी बदलाव हुए हैं। गोला बारूद के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली भारतीय सेना पहले करीब 40% आयात करती थी, लेकिन अब 10% से भी कम गोला बारूद आयात करती है। भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों पर न सिर्फ निर्भर हो रही है, बल्कि भारत हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया नीति के बदौलत विदेश से खरीदे गए गोला बारूद पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। अब सेना में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद के साथ 300 से ज्यादा हथियार भारत में ही बन रहे हैं। 300 से अधिक हथियारों उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, ना प्रभाव में और ना ही किसी अभाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच ने आज भारत की सेना को किस कदर आत्मनिर्भर और आधुनिक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।